शेयर करना दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमायनसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाये तुलसीदत्तये प्रियावीतेशवस्य कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाधि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 एक बार जोर करके बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बेटा मेरे गुरुपाद गदमा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर कथे श्री श्री श्रीमद भक्ति श्लोक सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धनुवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर कथे श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को भी यथाधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ये महीना का नाम श्री राधा दामोदर महीना है। इसलिए गतकल हम श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण अनंत असीम होते हुए भी मैया जसोदा कृष्ण को कैसे उखल में कैसे बांध कहते। ये लीला को श्री सत्यव्रत मुनि ने अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हुए इन्होंने जो नमामिश्वर सचिदानंद रूपम ये भजन को उन्होंने गाए। इसलिए गुरुदेव ये श्लोकों को बड़े सुंदर रूप में गुरुदेव व्याख्या करते थे। हम भी कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत इसकी अर्थ को सुनने के लिए। हरे कृष्णा। फिर इसका जो पहला शब्द है नमामि। नमामि मतलब क्या होता है? बोले नम मतलब होता है अहंकार परित्याग पूर्वक संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत। इसलिए इसको कहते हैं नमामि। कहते भगवान के चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए शास्त्र में बताया सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तान पिवेत नहीं। एक बार अगर ठाकुर जी के चरण में कोई प्रणाम कर ले फिर उसको कभी दो बार मैया का दूध पीना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है? वो गर्भ में आएगा तभी तो मैया का दूध पिएगा ना। मतलब ठाकुर जी को एक बार प्रणाम कर लो बस भव सागर से संपूर्ण रूप से तुम्हारी उधार हो जाएगी। इसलिए श्री जम महाराज जम दूतों को भी यही बात कहते हैं। बोले किसको किसको मेरे पास में ले करके आओगे? जब महाराज कहते हैं कृष्णा नमति जत सीर एकदादि। जिसने एक बार भी कृष्ण के चरण में सिर नहीं नमाया कहते जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जो एक बार भी जिहा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण चरण में प्रणाम एक बार करने से उसका इतना महत्व है कि दशवाध वेदी है। अगर कोई हजार अगर अश्वमेध यज्ञ कर ले उसमें जो फल प्राप्ति होगी उससे ज्यादा फल मिलेगा
जब कृष्ण का चरण एक बार हम प्रणाम करेंगे, हाँ प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रणाम प्रणाम जैसे होने चाहिए। प्रणाम मतलब संपूर्ण रूप में अहंकार छोड़ करके कृष्ण चरण में प्रणाम करें। इसलिए सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरण में जो प्रणाम नमामी कहते, भक्ति दो तरह के, कितने तरह के, कितने तरह के, बोलो जोर से, दो तरह का है। कहते एक वैदिक भक्ति और एक राग भक्ति है। कहते जी डायरेक्ट राग भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। राग भक्ति मतलब होता है इष्ट स्वरा सिद्ध राग, जो भगवान के चरण स्वाभाविक रूप में जो अनुराग है, स्वाभाविक रूप में जैसे ब्रज गोपियों में, जैसे नित्य सिद्ध परिकरों में, स्वाभाविक रूप में कृष्ण के चरण में जो आविष्टता है, इसको कहते हैं राग भक्ति। दूसरा भक्ति है कहते वैदिक भक्ति। कहते वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, बोले शास्त्र शासन के अनुरूप जो भक्ति है। जैसे शास्त्र क्या कहता है, देखो ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में एक बार भगवान ये मानव शरीर देते हैं। अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया ना, फिर तुम्हें 84 लाख जीवन सह जाना पड़ेगा। फिर वही गंधे कुत्ते सुअर होकर के पेड़ पौधा होकर के फिर भटकते रहोगे, हैं? इसलिए शास्त्र विधि से और डर से जो भक्ति होता है, अगर भजन नहीं करेंगे फिर हमें वही 84 लाख जीवन में जाना पड़ेगा। नहीं भैया, क्या करो, जितने जल्दी से जल्दी बार किया भगवान की भजन करना शुरू कर, ठाकुर जी की नाम जप करो जल्दी जल्दी, फिर हम क्या करेंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते वैदिक भक्ति। इसलिए कहते यही वैदिक भक्ति को जाजन करते 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 यही भक्ति एक दिन राग भक्ति में परिणत हो जाता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विधि भक्ति रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। इसलिए जो व्यक्ति ये वैदिक भक्ति को ठीक ठीक रूप में जाजन करता है, एक दिन स्वाधीनता रत्न दाने स्वाधीनता रूपक रत्न प्रदान करके भगवान स्वयं तुम्हें वो राग भक्ति में अपने आप प्रवेश करा देंगे। जोर करके नहीं घुस सकते हो, हैं? जोर करके नहीं घुस सकते हो, इसलिए ठाकुर जी स्वयं तुम्हें उसमें प्रवेश करा देंगे। इसलिए यहाँ जो पहला जो शब्द है नमामि, हम सबके सब ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले किसको चरण में प्रणाम कर रहे, बोले नमामि ईश्वर, वो ईश्वर है। बोले ईश्वर मतलब क्या होता है, बोले अघटन घटन फटे असी, जो है को नहीं, जो नहीं को जो है कर सकता है, दिन को जो रात और रात को जो दिन कर सकता है, असंभव को जो संभव, संभव को जो असंभव कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को भी जो प्राण दे सकता है, हैं? क्योंकि वो ईश्वर है, सर्व कारण का कारण है, वो साधारण नहीं। इसलिए नमामि ईश्वरम, क्योंकि वो कौन है, बोले सच्चिदानंद रूप। कहते उनका जो स्वरूप बताए सत चीत और आनंद, और हमारा स्वरूप क्या है, पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है वो पांच चीज से बना हुआ है, हैं? मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, हमारे जैसे स्वरूप ठाकुर का शरीर नहीं है, इसलिए भगवान का जो तीन वस्तुओं से भगवान की शरीर बना हुआ, एक सत स्वरूप में, एक चीत और एक ज्ञान। इसलिए हम भगवान के अंश है, भगवान सत चित आनंद स्वरूप, हम उनका अंश है, लेकिन हम भी वही तीन वस्तु को पाने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है नव किश्वर नटवर भगवान का स्वरूप, नव किश्वर नटवर भगवान का स्वरूप होने का नाते, इसलिए जगत में हम कोई भी बूढ़ा बूढ़ी बनना नहीं चाहते। बताओ कौन बूढ़ा बूढ़ी बनना चाहते, अगर एक बाल अगर पक गया ना तो उखाड़ देते हैं, इसको उखाड़ देते हैं और पता नहीं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और क्रीम लगाते हैं, सेव करते हैं, भले जितने बड़े बूढ़े हो क्यों नहीं हो जाए,
आप शीशा में अपना रूप देखो, कोई सोचता है हम इतने उम्र के हो गए? कहते अभी हम हमारा जन्म हुआ है। कारण क्या बोले, कारण है भगवान सत्य स्वरूप और नव किशोर नटवर है, इसलिए हमारी अंदर में भी वही वस्तु हमारी अंदर में है, इसलिए भगवान सत्य स्वरूप और भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम सब के सब एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर हम भी बनना चाहते हैं। एक मूर्ख को भी एक मूर्ख बोल दो ना, है एक मूर्ख को मूर्ख बोल दो, भले तुमको कुछ नहीं समझता है, मतलब मैं नहीं समझता ना तू नहीं समझता, वो झट उतर देगा, वो झट उतर देगा है। इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम भी जिंदगी भर ज्ञान के लिए प्राप्त करते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है और जिंदगी भर उसी आनंद की खोज में, इसलिए बोले नमामिश्वरम सचिदानंद रूपम, बोले लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, कहते उनकी कानों में बड़े सुंदर कुंडल शोभायमान बोला है। इसलिए यहाँ बोल कहते हैं भगवान के शरीर में बहुत सारे अलंकार है, सारे उनकी सारा शरीर अलंकार से सुसज्जित है, लेकिन सबसे कौन सा अलंकार का सबसे ज्यादा महत्व है, कहते जो कान में जो कुंडल पहने हैं ना, वो कुंडल सबसे ज्यादा शोभायमान। बोले क्यों? देखना जो आप लोग कुंडल पहनते कि नहीं, पहले माताएं बड़ी बड़ी कुंडल पहना करते थे, इसलिए जब कुंडल मिलता है, कहते कृष्ण को मानो कृष्ण का जो कपोल उसको स्पर्श करता है, बोले स्पर्श नहीं करता है, बोले क्या करता है, बोले कृष्ण का जो कपोल है उसको बारम्बार ये चुंबन करता है, बार बार उसको वो चुंबन करता है, है? इसलिए कहते देखो ये कुंडल की कितने महत्व है, कुंडल की कितने महत्व है, बोले सारे श्रृंगार में मानो कुंडल की सबसे ज्यादा स्वभाव मान कुंडल की, इसलिए कहते गोकुले भ्राजमानम। कहते हैं वो कहाँ पर स्वभावमान हो रहे हैं, बोले गोकुल, कहाँ पर स्वभावमान हो रहे हैं, बोले गोकुल में स्वभावमान हो रहे हैं, बोले और कहीं नहीं हो सकते, हाँ बोले हाँ। कहते भगवान की तीन धाम है, कृष्ण की कितना धाम है, तीन, कहाँ कहाँ पर, एक धाम है उनकी द्वारका में, कृष्ण द्वारका में भी शोभा पाते हैं, एक धाम उनकी मथुरा में, कृष्ण मथुरा में भी शोभा पाते हैं, लेकिन कहते हैं कृष्ण पूर्ण रूप में कहाँ स्वभावमान होते हैं, ये गोकुल, ये कहाँ स्वभावमान होते हैं, ये गोकुल में स्वभावमान। बोले क्यों, बोले जिसको अंदर में जितना ज्यादा प्रेम है उसको सामने कृष्ण उतना रूप में प्रकाशित होते हैं, जिसके हृदय में जितना प्रेम ज्यादा है, देखना एक ही कृष्ण है, कृष्ण एक ही है, लेकिन जब एक कोई दास जब कृष्ण को दर्शन करता है उनको पास में एक ही कृष्ण, उनको किस रूप में, भगवान रूप में, ईश्वर रूप में, सर्व कारण कारण रूप में उनको दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण को जब दर्शन करते क्या कहते हैं, बोले नव मिट्यते अभ्र बपुषे तैतम्बराय गुंजाव तंस परिपेक्ष लसत मुखाय। इसलिए जब ब्रह्मा कृष्ण को दर्शन करते हैं किस रूप में, कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह और अनादि राज गोविंद सर्व कारण कारण, उनको सर्व कारण का कारण रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन एक सखा जब कृष्ण को दर्शन करता है वो सच रस कृष्ण को, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही हम सब, मतलब तुम किस चीज के बड़े आदमी हो, तुम और जो मैं हम बराबर है। श्री राम कहता है तेरे पिता की कितने गई आ रही, बोले 9 लाख और मेरे पिता की कितना 11 लाख, बता कौन बड़े, और तेरे साथ में कुश्ती लड़ते लड़ते कभी कभी मैं तेरे को परास्त कर देता, तेरे पद में परास्त कर देता, इसलिए एक ही कृष्ण है, लेकिन सखा को पास में सख्य रस में, और बात्सल रस में मैया यशोदा जब कृष्ण का दर्शन करती है अपना बेटे रूप में दर्शन करती है, अपना बेटे रूप में, जब गोपियां कभी शिकायत करती है ना तुम्हारी जो लाला कन्या हमारे साथ में कभी छेड़छाड़ करती है, मैया यशोदा सोचती है क्या बोलते हैं, अभी मेरे लाला का हाँ दूध दांत ही नहीं टूटा और ये सब क्या सब उल्टा पुल्टा मेरे लाला पर
ये सब ने सब क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते। इसलिए मैया जसोदा हर समय देखना माँ आपको सामने जो अपना बेटा ओ वन महाराज की जय। আপনি এখন আমার ওখানে আসলে থাকতে চলছে, আপনি এখানে আসলে কোথায় এখানে না ওখানে এসে গেছে কৃষ্ণ একই কৃষ্ণ হ্যাঁ একই কৃষ্ণ হতে পারি ও অলগ অলগ ভক্ত সামনে কৃষ্ণ ও অলগ অলগ রূপ মে কৃষ্ণ দর্শন মিলতা হ্যাঁ ওই কৃষ্ণ মানে জিস সময় কৃষ্ণ कहते गोपियों के सामने प्रकट होते हैं, गोपियों के सामने जब कृष्ण प्रकट होते हैं उसी समय में कृष्ण सबसे सुंदर रूप में जब गोपियों के पास में कृष्ण प्रकट होते हैं सर्व सुंदर रूप में प्रकटित होते हैं कृष्ण सबसे सुंदर रूप में। इसलिए ये चीज को कहते श्री नव वृंदावन में कृष्ण जब प्रकटित हुए है कहते श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में वर्णना करते हैं जब कृष्ण कभी वृंदावन की याद करते 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 तब कृष्ण बेहोश हो गए। जब कृष्ण बेहोश हो गए वृंदावन के चिंतन करते करते कृष्ण बेहोश हो गए तो अभी क्या किया जाएगा, तभी इनकी होश आएगी जब इनको वृंदावन में ले लिया जाए है वृंदावन प्रकट किया जाए। इतने में ब्रह्मा जी नव वृंदावन प्रकट करते हैं और कृष्ण को गरुड़ों को बड़े लेटा करके द्वारका से उनको ले जाते हैं कहाँ नव वृंदावन में समुद्र हाँ समुद्र किनारे में नव वृंदावन में ले जाते हैं और वहां पर सबके सब द्वारका के जो महिषियां रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी और उद्धव जी और नारद जी सबके सब वहां पर जाते हैं और कृष्ण को वृंदावन का ड्रेस में कृष्ण को सुसज्जित कर देते हैं, हाथ में बंसुरी सर पर मणि मुकुट बड़े सुंदर उनको सुंदर श्रृंगार करते थे। उनको श्रृंगार करते हुए अभी वहां पर श्री बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन का श्रृंगार में श्रृंगार करते थे। बलदेव प्रभु वहां पर ब्रह्मा जी नव वृंदावन प्रकट किया, इतने सुंदर सुंदर बछड़े गैया ऐसे लग रहा था सचमुच से ये बछड़े और सचमुच से ये गैया है। और कुंज में जैसे कृष्ण चलते समय जैसे गोपियां कुंज से झांक करके देखती थी, राधा रानी झांक करके देखती थी, जैसे मैया जसोदा कृष्ण को मक्खन मैया जसोदा कृष्ण को मक्खन ठीक वैसे ही सबको सब सजा दिया, एकदम वैसे ही सजा दिया। इतने में बलदेव प्रभु जाकर कहते काना काना देख सूर्य उदय हो गया, देखो सारे सखा और बछड़े सब तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी गोचारणा करने के लिए नहीं आओगे, उठो अभी उठो जल्दी उठो। अभी कृष्ण ब्रज की चिंता में एकदम डूबे हुए थे, जब कृष्ण धीरे 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 जगे और बलदेव प्रभु को देखा श्रृंगार किसका वृंदावन की और कृष्ण जैसे गैया चराने के लिए जाते तो वहां सखा बछड़े ठीक उन्होंने वैसे ही बनाया है एकदम उनको वैसे ही बनाया। इतने में कृष्ण मैया जसोदा वहां पर जैसे मक्खन खिलाती है वहां पर मैया जसोदा मक्खन लेकर खड़ी हुई वहां पर। इतने में कृष्ण जब उठे और उठे कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण ब्रज की भाव में विभावित होकर के उनके हाव भाव कटाक्ष इतना सुंदर था। कृष्ण कहते मैया मैया मैंने रात में बहुत स्वप्न देखा, पता नहीं मेरे कितने शादी हो गए। वो कह रहे हैं सचमुच से शादी हो, इसको स्वप्न कहते शादी हो गई। बोले मैया मैं जल्दी अभी जा रहा हूँ, आकर तेरे को सारे बात बताऊंगा। और जब थोड़ी दूर गए गोपियां कुंज से झांक करके देख रही थी गोपियां, इतने में गोपियां कहती हैं गोपियां जैसे झांक करके देखती हैं कृष्ण जैसे गोपियों को प्रति देखते थे और थोड़ी दूर गए राधा रानी भी कुंज में खड़ी हुई। इतने में कृष्ण कह रहे राधे लगता है तू मेरे स्वप्न की बात समझ गई हो, क्योंकि कोई भी स्त्री नहीं चाहता है मेरे पति और किसको प्यार कर, बोले लगता है तुमने मेरे स्वप्न की बात समझ रहे हो, मेरे अरूप कहीं शादी कर लिया, कोई चिंता मत करो बाद में तेरे को आकर मैं मना दूंगा। कृष्ण जब ऐसे बोलते हुए जा रहे थे वहां पर महिषी रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण रूप देख करके पागल हो गए, ये सब पागल हो गए। कृष्ण ब्रज में रहते हुए इनको जो सुंदर स्वरूप प्रकाशित होता था
पागल हो गए सबके सब भागे पकड़ने के लिए। इतने में किसी तरह से उनको नारद उद्धव जी उनको किसी तरह से रख उनको पकड़ करके रखिया की और थोड़ी दूर उठाए और श्री कहते श्री कंस का जो माता थी क्या नाम थी कंस की माता पद्मा वो तो एकदम डोकरी बुढ़ी थी लेकिन उन्होंने कृष्ण को देख करके उनको ऐसे लगा जैसे मैं छोरी हो गई एकदम मैं छोरी हो गई एकदम डोकरी है और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ी वहां से और उनको किसी तरह से वहां पर उनको रक्षा की गई किसी तरह से उनको रक्षा की गई। इसलिए यहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा सोचती थी कृष्ण सोते हैं हमारा पास में लेकिन रोते हैं ब्रजवासियों के हैं और कृष्ण क्यों रोते हैं ब्रजवासी के लिए उनको पता नहीं था लेकिन आज जब उन्होंने कृष्ण की ब्रज का रूप को दर्शन किया समझ गए कृष्ण ब्रजवासियों को जितने प्रेम करते हैं हम लोग को तो उनका दासों का दासी को जो प्रेम करते हैं वो भी इतना प्रेम हमें कृष्ण नहीं करते हैं तो समझ गए सचमुच से ब्रजवासियों का जैसे प्रेम ऐसे प्रेम कभी हो ही नहीं सकता हमारे अंदर में। इसलिए कहते यद्यपि कृष्ण सब जगह में सुंदर है लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कहाँ प्रकाशित होता है कहते जब कृष्ण वृंदावन में होते हैं इसलिए गोकुले ब्राजमानम कैसे कन्हैया मक्खन चोरी करते हैं और कैसे मैया जसोदा कैसे उनको बांधने के लिए कोशिश करते हैं हम इसको कल सुनेंगे अभी चलो खुशी मठ में चलते चलते पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल बच्चा गुरु दुर्वेश कृपा सिंधु मरि वचन कनितानं पावने को सबके सब जल्दी जल्दी वहां पर चलो अभी परिक्रमा चलेगी वहां पर गुरु कथा।